और यहाँ पर दोस्तों टोमेटो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर को उबाल लेंगे। और यहाँ पर हमने कुकर को पहले से ही मीडियम फ्लेम पर रखा है और अभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर डूब जाए उतना पानी ऐड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने 4 ग्लास पानी को ऐड किया है और अभी हम कुकर को कर देंगे बंद और अच्छे से इसको हम बॉईल कर लेंगे। और 2 सीटी बजने तक अच्छे से इसको हम बॉईल कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2 सीटी बजा लिए हमने और यहाँ पर जो टमाटर है हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और कुकर को खोल लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और अभी हम इसे अलग से बर्तन में ले लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छे से ठंडा कर लिया है और टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए। अभी हम इसके ऊपर से छिलका निकाल लेंगे और जो पीछे का भाग है वो अच्छे से चप्पू से हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसे प्रेस करके अच्छे से इसमें से पानी भी निकाल लेंगे और अलग से बर्तन में ले लेंगे। और ये सेम प्रोसेस हमें सभी टमाटर के साथ करनी है। और दोस्तों यहाँ पर हमने टमाटर को अलग से बर्तन में ले लिया है और इसे अभी हम मिक्सचर जार में ले लेंगे और इसकी अच्छे से प्योरी बना लेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने मिक्सचर जार में अच्छे से टमाटर को क्रश कर लिया है, टमाटर की प्योरी कर ली है। और इसे अभी हम छनली से अच्छे से छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से जो प्योरी है इसे फिल्टर कर लिया है। और अभी हम कढ़ाई रखेंगे और गैस स्टोव को कर देंगे ऑन और जो फ्लेम है वो मीडियम पर ही रखेंगे। और यहाँ पर हमने गैस ऑन कर लिया है और जो फ्लेम है वो मीडियम पर रखी है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्योरी बना ली है टमाटर की, वो ऐड करेंगे। और अभी हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने 3 चम्मच शुगर ऐड की है, चीनी ऐड की है। आप चाहे तो चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। और दोस्तों चीनी को मिलाने के बाद अच्छे से इसको हमें मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ऐसे ही स्टियर करते रहना है, अच्छे से ऐसे मिलाते रहना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 कप इमली का पल्प ऐड करने वाले हैं। इस इमली को हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था और 1 कप हमने इमली का पल्प ऐड किया है। और साथ में हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ में 2 चम्मच हम इसमें विनेगर भी ऐड करेंगे। और ये वाइट विनेगर है, वाइट विनेगर ऐड करने से जो हमारा टोमेटो सॉस है वो लंबे समय तक अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है। और अच्छे से मिला लेंगे सभी चीज़ों को और सभी चीज़ों को 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से पका लेंगे और ऐसे ही मिलाते रहेंगे। और ये दोस्तों करीब 2 मिनट हो चुकी है और ये जो हमारा टोमेटो सॉस है काफ़ी अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है और अच्छे से पक गया है। अभी हम गैस स्टोव को कर देंगे बंद और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बाजार के जैसे ही बना है और बहुत ही अच्छा बना है। और इसे अभी हम ठंडा कर लेंगे और अलग से बर्तन में लेकर अच्छे से इसे डेकोरेट कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी टोमेटो सॉस तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। और इसका आप देख सकते हैं टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह आप अपने घर पर बनाएंगे तो टोमेटो सॉस बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।